एक बार बताओ, आपने मुझे फोन करा ये कटिया के लिए? बताओ क्या दिक्कत है? उसकी दिक्कत ये है, देखो हमने पिछले 3 साल बीतने के बाद हम बाहर देखते रहे कोई बदला अपने आप ही, मतलब छड़खंड ना हो। अब इसकी कहानी क्या हुई, पूरा साल उनका बदल। अब यू जो है 6 महीने के बाद हमने चेक कराई, हमसे चक्कर में इसका चेहरा सहरा और शरीर मतलब इकरा गया बने। अब 6 महीने के बाद जो चेक कराई तो खाली। तो तुम्हें कितनी बार करा दिए? ये 5 साल की उम्र होगी इसकी? 5 साल की उम्र होगी भाई, एक ही बार कराई है। मतलब इसका यूं ही नहीं पता लगता कब बोले है, कब हीट पे नहीं आती, हीट पे कब आती है कब पता नहीं चलता। मतलब आती ना, आज तक बोली तो जड़ से ही ना, बस तोड़े पर। तो ये जब से आपने कराई है 6 महीने पहले चेक कराई, उसके बाद में बोली नहीं है ना। अब चेक कराई कितने दिन हो गए? इसको चेक कराई कम से कम 2 महीने। और 6 महीने पहले क्रॉस करवाई थी कटरे से या डॉक्टर से? कटरे से कराई थी। तो जब तुमने क्रॉस कराई तो पशु के क्या लक्षण थे हीट पे आने के? कुछ तो देखा होगा तुमने जब क्रॉस करवाई। लड़की ने बताया कि इसने तोड़ा दे रहा है और हीट पे आने का बोली तो ही नहीं बिल्कुल भी। भाई इतना देखा है कि यू जो चक्कर काट रही और जल्दी जल्दी पेशाब चक्कर रही। अच्छा, इस लक्षण पर मतलब यू तोड़ा का जो बताई यार, इस लक्षण पर बदलवाई। तो तुमने कटरे से करा दी? कटरे से करा दी। तो देखो जी, पहली बात तो ये है कि ये ऐसा हो सकता है इसके ऊपर सिस्ट हो, क्योंकि ये हीट पे नहीं आ रही है। अगर हीट पे आती, 5 साल का पशु है, कम से कम 50 बार हीट पे आ जाता है। मतलब इसके अंदर बच्चेदानी में कोई ना कोई दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। और नहीं तो ये हीट पे आ जाता, क्योंकि पशु का एक वो होता है, एक हीट का साइकिल जो होती है वो 21 दिन की होती है। अगर मान लो हम अभी गाभिन करा देंगे और नहीं रुकेगी तो 21 दिन में हीट पे आ जाए तो पशु के अंदर बहुत ज्यादा कमी नहीं है। मानते रुके ना, अलग बात है, हो सकता है इन्फेक्शन हो रहा हो, सही समय पर ना करा पा रहे हो, सीवन अच्छा ना हो, या डॉक्टर सही यही ना कर पा रहा हो, तो वो तो कंडीशन होती है। लेकिन अगर पशु आपका हीट पे ही नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है। तो बोली ही नहीं आता। तो अभी हम इसमें हाथ डाल के देखते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। हाथ डाल के ही पता चलेगा कि इसमें कोई सिस्ट कोई गांठ तो नहीं है जिससे पशु हीट पे नहीं आ रहा। हमने भी जो है मतलब आप पता कार्ते मतलब बालक से यू कह रहे हैं कि इसे देओ और मतलब हाँ बेचने के लिए कह रहे हैं। ऐसा है ना, खाली पशु तुम कब तक पालोगे भाई? खाली पशु 5 साल हो गए, इतनी अच्छी नस्लदार कटिया है। जरा कटिया की फोटो दिखाओ, जरा वीडियो बना के सही से। ये बिल्कुल प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस है, आप देखो इसका स्ट्रक्चर देखो। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुर्रा नस्ल, पूरे हमारे बराबर की कटिया। देखो हम भी नीचे पड़ रहे होंगे, पूरा मुर्रा नस्ल की कटिया है। और ये जो है 5 साल की हो गई है और ये अभी तक हीट पे नहीं आई, जैसा कि अंकल जी बोल रहे हैं। तो अंकल जी आज अभी देखते हैं इसमें हाथ डाल के कि क्या स्थिति है। इसे बांधोगे ये कांध में और उसके पैर बांधो। मैं इसमें हाथ डाल के देखता हूँ क्योंकि बहुत नस्लदार कटिया, अगर गाभिन हुई तो कसम 10 से 12 लीटर दूध देगी पक्का एकदम। 50,000 तो इसके खाली पे भी। अब देखो अंकल जी जैसा बता रहे हैं 50,000 रूपए से खाली का दे रहा है कोई, तो जो है अभी से हम चेक करेंगे और चेक करके पता चलेगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है और हीट पे क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों पूरा प्रयास करेंगे इसे, देखते हैं अभी। चलो हुई तुमने पाउडर ले लिया, वो पाउडर भी खवा लिया, कुछ नहीं हुआ। सिस्ट है, जो है सिस्ट है कटिया पे, क्योंकि ये 5 साल की कटिया हो गई, हीट पे आ रही है, इस पर सिस्ट है, ल्यूटियल सिस्ट बनी हुई है। एक सिस्ट है, मैंने बोला था इसमें अंडाशय होगी, तो एक अंडाशय है, ल्यूटियल सिस्ट है। और इसमें जो है इसका भी पूरा वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और जो है ये कटिया हीट पे आ जाएगी। दोस्तों इसमें भी हम एक बार गन पास करके और देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। रोकना जरा है, कूदे की जरूरी है, कभी लाता मरवा दो हमें। इसमें गन पास होने में थोड़ी दिक्कत थी लेकिन हो गई है लगभग। तो जो इसमें 1-2 दिन दवाई डालनी पड़ेगी और तब जाके जो है इसकी स्थिति साफ होगी। बोलती नहीं।
कल मेरे सामने मैं उनसे राजी से कर लगा पीछे वालों की तुमने भैंस दी तो दोस्तों इंजेक्शन मंगाया हमने प्रेग्मा, क्योंकि इसके जो है ल्यूटियल सिस्ट है, इसे आज लगाएंगे। इसके बाद एक अगले हफ्ते एक और इंजेक्शन लगाएंगे और इसमें इंट्राइटर हमने डाल दिया है और ये 15 से 20 दिन में हिट पे आ जाएगी और ये ग्यावन लग जाएगी। और ये कटिया बहुत अच्छी है, ये लोगों ने इसे बाज बता दिया है कि रुकेगा क्या बंद, पर जो है इसको इंजेक्शन लगाएंगे प्रेग्मा 2 ml। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा जहाँ पे ल्यूटियल सिस्ट होती है वहाँ पे इस इंजेक्शन होता है। ये पहला इंजेक्शन, फिर उसके बाद एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते के बीच में दूसरा इंजेक्शन लगा दो तो पशु जो है उसकी ल्यूटियल सिस्ट जो है रिमूव हो जाती है और पशु भी आ जाता है। तो दोस्तों आज हम इसे लगाएंगे। ठीक है जी, दवाई लगा दे रहे, अगले हफ्ते एक इंजेक्शन और लगवा लेना, पशु तुम्हारा हिट पे आ जाएगा। इधर दिखाओ, इधर को ठीक है जी, इसके तुम पैर खोल दो ठीक है। और ये कटिया और जो है जब भी हिट पे आए, जैसे ये इंजेक्शन लग जाएगा एक हफ्ते बाद, तो इस पे आपने जो है अगले एक महीने तक नजर रखनी है ठीक है। पिछले अगले एक महीने में ये कभी भी हीट पे आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ये डिस्चार्ज करे पतला पानी डाले, बिल्कुल साफ पानी डालेगी या फिर बोलती होगी तो फिर बोलेगी। ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई दे तुरंत मुझे फोन करो, मतलब देर नहीं करनी है मुझे, उसी दिन बताना जिस दिन ये बोलनी स्टार्ट हो मुझे उसी दिन बताना। वो मुझे कब करनी है मैं अपने आप डिसाइड करूंगा कि मुझे इसमें सीमन कब डालना है और कैसे करनी है। कटरे से नहीं करवानी है क्योंकि कटरे से रुकेगी नहीं, क्योंकि जो है ना अभी सर्विस का रास्ता इतना खुला हुआ नहीं है कि इसमें कटरे से रुक जाए, तो मुझे तुम समय से बताना ठीक है। ठीक है और अभी इंजेक्शन लग गया है, एक इंजेक्शन जरूर लगवा लेना एक हफ्ते बाद ठीक है।